माहौल है किस तरह का? आज स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला जी के पिता सरदार बलकौर सिंह जी का एलनाबाद में प्रोग्राम था और उसी के तहत आज यहाँ एक ज्वाइनिंग भी, जो ब्लॉक मेंबर है उनकी ज्वाइनिंग भी यहाँ इनेलो पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में हुई और बहुत ही जोश है लोगों में। सरदार बलकौर सिंह जी के आने पे पूरे हल्के ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। गाँव शक्कर मंदोरी ने बहुत बढ़िया स्वागत आज यहाँ किया है। पूरे हल्के की अगर बात करें, गांव में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, कुनबा बढ़ता जा रहा है और जो विपक्षी पार्टी है उनका जो एक माहौल यहाँ बना रहता था, अभी ये तो एक बार आएंगे बाद में नहीं आएंगे, वो खत्म हो, लोगों को उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया क्या? प्रोग्राम गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी था लेकिन किसी कारणवश उनकी कोई मीटिंग आने के कारण वो स्थगित हो गया। उनका दोबारा टाइम जब भी आएगा वो सूचित किया जाएगा। आज सरदार बलकौर सिंह जी यहाँ पहुंचे थे शक्कर मंदोरी में और बहुत भव्य स्वागत गांव वालों ने किया। हमारी शैलजा का भी प्रोग्राम की सोशल मीडिया पे जानकारी। हाँ, शैलजा जी का बहुत जल्द प्रोग्राम एलनाबाद में बनने वाला है, जैसे ही समय और जगह निर्धारित होगी मैं आप सभी को सूचना दूंगा। कल इनेलो का एक बड़ा प्रोग्राम था एलनाबाद के अंदर और उससे पहले रैली थी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, रैली हर साल होती है लेकिन अब की बार कोई चर्चा रैली की मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी, कहीं इस रैली की कोई चर्चा नहीं है। ये जो अपना इन्होंने जो रैली की, रैली करके पहले जो कहते थे एलनाबाद में आके, मैं तो एक बार आऊंगा बाकी आप संभाल लेना, मैं तो आऊंगा ही नहीं, उनको अपनी उचाणा रैली करके रात को एलनाबाद में आके दोबारा मीटिंगें करनी पड़ती है, अपना रैलियां करनी पड़ती है, उनके बहुत बड़ी घबराहट है उनके मन में और उनको पता है भी जमीन अब खिसक चुकी है, वो किसी तरह इस चुनाव में दौड़ में आने के टक्कर में आने के चक्कर में भी कहीं मैं इस मुकाबले में कहीं आ जाऊं इस चक्कर में, बाकी उनकी हार निश्चित हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा दो दिन पहले आए थे एलनाबाद विधानसभा में, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, आगे कब होना? बिल्कुल आगे उनसे टाइम मांगा गया है, जब भी फाइनल होगा 30 तारीख या 1 तारीख लगभग, तो एक रोड शो के माध्यम से एलनाबाद में कराया जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल होती है आपको बता दिया। राहुल गांधी का हरियाणा में हो रहा है क्या, सिरसा या एलनाबाद में कोई इस तरह का प्रोग्राम? हाँ, उनका भी जो राहुल गांधी जी का भी रोड शो अभी तो जो अभी अपना कैथल और उस साइड है जो दूसरे चरण में होगा, तो उसकी अभी हमने डिमांड भेजी, अभी हमारे चोपटा में उनका जो रोड शो वो आके समाप्त वहाँ नथसुरी चोपटा हो, लेकिन वो अभी प्रोसेसिंग में। विनू बेनीवाल ने मीटिंग ली थी अपने कार्यकर्ताओं के, उसके बाद में काफी कार्यकर्ता आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ? नहीं देखिए, उन्होंने मीटिंग ली अपनी पार्टी के हिसाब से, जो साथी जिसकी आस्था कांग्रेस पार्टी में वो हमसे जुड़ रहा है, चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी के साथ जुड़ रहा है, जो यहाँ ज्यादातर विपक्षी पार्टी इनेलो की यहाँ जो विधायक है बनते आ रहे हैं और लोगों को बहुत उन्होंने उन पे जुल्म जास्ती हुई है, लोगों पे बहुत तशद्दुद उनकी सरकार में और उनके एमएलए रहते हुए यहाँ उन्होंने किया है, उससे तंग आके लोगों ने एक मन बनाया, अभी अब की बार हर बार हम विपक्ष में रहते हैं, एलनाबाद हल्का हर बार इनके कारण विपक्ष में बैठने का काम करता है, लेकिन इस बार हम सरकार जो कांग्रेस की बन रही है उसमें अपनी हिस्सेदारी डालेंगे। पवन बेनीवाल जो है वो कांग्रेस में थे, अब इनेलो में आकर काफी उदास निकाल रहे हैं, तो भाई उनके अंदर की हड़बड़ास होगी, वो निकाल रहे हैं, उनके निकालने से क्या होता है लोगों को पता है ना, लोग जानते हैं किसी के बारे में, आप कुछ भी बोलो, कुछ खा के बोलो कुछ पी के बोलो, लेकिन लोगों को पता है, लोग चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी को आज से नहीं जानते, 1991 से तो राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया, तब से समाज के बीच में बहुत से आरोप भी वो लगाते हैं, जो पार्टी के अपना उनके खुद के नेता अभय सिंह चौटाला जी नए नए दोबारा बने हैं, उनके लीडर बने हैं, उन्होंने उन पे आरोप लगाए थे, ये तो कब्जे मेरे साथ रह के कर गया, पवन तो कब्जे मेरे साथ रह के कर गया, चिट्टे के आरोप अभय सिंह जी ने लगाए, या तो वो स्पष्टीकरण दे या वो फिर सार्वजनिक तौर पर आके अभय सिंह जी माफी मांगे मैंने गलत कहा था, वो तो उनसे आपस की है उनकी बात, और जहां तक रही बात अभय सिंह चौटाला जी आरोप, रात उन्होंने बहुत से आरोप लगाए, बहुत से उनके साथियों ने आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए, अभय सिंह जी ने लगाए भरत सिंह जी पे, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा भी, लोगों को भी बताना चाहूंगा, ये वही अभय सिंह चौटाला जी और ये चौटाला परिवार है जिन्होंने, जिनको कोई गाड़ी पसंद आ जाती थी सेठ की
तो चाबी रख लेने का काम करते थे, गाड़ी कहते थे छोड़ दो सेठ जी नहीं लिए। ये वही अपना अभय सिंह चौटाला जी है जिस जो अपना जो सेठ जी उनको चंदा नहीं देता था इलेक्शन में रैलियों में, तो उनके सामने सड़क तोड़ के सड़क में बड़े बड़े खड्डे करवा देते थे, उनका काम बंद कराने का काम करते थे, झूठे झूठे मुकदमे होते थे। ये वही अभय सिंह चौटाला जी और उनकी पार्टी है जिन्होंने जमीन कब्जा संघर्ष साधा, डेरा भूमन शाह जी की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया था। तो लोगों को सब पता है, अभी एक माहौल बनाना चाहते हैं भी हम तो शरीफ हैं और सामने वाले आपको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन इनकी खुद की भाषा देखो गाली गलौज करते हैं ये। अभी थोड़े दिन पहले इनकी एक वीडियो आई जिसपे ये भरत सिंह बेनीवाल जी के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कह रहे थे, गाली गलौज के माध्यम से संबोधन कर रहे थे। तो ये खुद बौखला चुके हैं और हार की बौखलाहट है, और ये हार की बौखलाहट लोगों को दिख चुकी है। मीडिया कर्मियों को धक्के मारना, उनसे बदसलूकी करना, ये सारी हार की निशानी है। कोई जवाब ना देना, ये हार की निशानी। दलाली का आरोप लगाया था पवन बेनीवाल ने कि लड़कियां बैसाने के नाम पर दलाली कर रहे हैं। वो तो कुछ खा के कुछ भी कह सकते हैं, उनका मैं क्या जवाब दूं। देखो चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी को बच्चा बच्चा जानता है, इतने हजारों घर लड़कियों के उन्होंने बसाए, अगर इसमें कोई किंतु परंतु होते तो लोग आज हमारे साथ नहीं होते। उनको कोई जलन है, उनको कोई अपना कोई व्यक्तिगत है तो होगी, हमें नहीं पता उस बात का, लेकिन वो कुछ भी खा के कुछ भी कह सकते हैं, उनका मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता।